गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक और अगला मॉड्यूल हमारा जो है, जो कि है जॉर्ज गर्बर्नर्स मॉडल। इसमें भी गर्बर्नर के आगे अपोस्ट्रोफी एस है, इसका नाम जॉर्ज गर्बर्नर्स नहीं है, जॉर्ज गवर्नर अपोस्ट्रोफी एस मॉडल है। इसका एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है जो कि पिछले वाले मॉडल का था, वेस्टलीज एंड मैकलीन्स का, कि एक रिपोर्टर अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें देखता है, उनसे वो कुछ चीजें ग्रैब करता है जिसे वो आगे प्रोसेस करता है, जो आगे चल के एक मीडिया रिपोर्ट बनती है, जिस पूरी रिपोर्ट को आप देखते हैं, आप उसमें से कुछ ग्रैब करते हैं और फिर वो आपका एक परसीव्ड मैसेज हो जाता है या आपका एक डायमेंशन या अपने दिमाग में आप एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं उस रिपोर्ट को लेकर के या उस टॉपिक को लेकर के। तो जॉर्ज गर्बर्नर्स मॉडल और कुछ नहीं है, सिर्फ दो पार्ट में मेजरली डिवाइडेड है, दो पार्ट में नहीं, वैसे आप कहो तो तीन पार्ट में, हाँ नहीं दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है परसेप्चुअल डायमेंशन, जो सिर्फ इतना पार्ट है। इसके अंदर मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ रणवीर दीपिका वेडिंग का, वो एक इवेंट था, ठीक है, ई इक्वल्स टू इवेंट, ई का मतलब है इवेंट। उसमें बहुत सारे रिपोर्टर गए, उन्होंने बहुत सारी चीजें ग्रैब की, बहुत सारी चीजें उनके आसपास हो रही थी, खाना पीना ये वो फलाना ढिंका, बट उसमें से कुछ एक सेलिब्रिटी की फोटो, फॉर एग्जांपल अगर सलमान खान आए होते तो उनकी फोटो खींची होती या ऐसा कुछ भी मैसेज एक निकला होता, फिर उसको वो ग्रैब करते अपने तरीके से। यहाँ पे एम का मतलब है मैन या मशीन, या तो आदमी या फिर मशीन, उन दोनों ने कोई भी एक मैसेज इसमें से ग्रैब किया और उसे अपने तरीके से परसीव किया, मतलब उस मैसेज का और भी कोई मतलब निकल सकता था लेकिन इन लोगों ने अपने तरीके से उस मैसेज को परसीव किया। फिर सेम अब आ जाता है हमारा मीडिया एंड कंट्रोल्स डायमेंशन। मीडिया एंड कंट्रोल्स डायमेंशन के अंदर हम सारी बातें टेक्नोलॉजी के ऊपर करते हैं, टेक्निकल डायमेंशन है एक तरीके से। इसके अंदर गेट कीपर क्या होगा, मीडिया के अंदर क्या क्या काम हुए, प्रिंटिंग एडिटिंग पब्लिशिंग सब इसके अंदर आता है। तो ई एक इवेंट था जिसमें से एम यानी मैन और मशीन ने एक इवन करके परसीव मैसेज किया, ठीक है, फिर उसने यही मैसेज चैनल और मीडिया कंट्रोल्स के थ्रू आगे फॉरवर्ड किया, जो कि सिग्नल के थ्रू E2 बनता है। E2 भी एक परसीव मैसेज है इवन का, मतलब E2 का मतलब हो जाएगा एक कंटेक्स्ट क्रिएट किया गया है, जो इवन मैसेज उसने परसीव किया था उससे उसने मतलब क्या निकाला, लोगों को वो बताना क्या चाहता था, वो हो जाएगा E2, ठीक है। ऐसा तो है नहीं इवन एक रॉ मटेरियल है, मैंने कोई बात आपसे नोट कर ली लेकिन आप मुझे आगे सामने वाले को कैसे बताना ये तो मुझे डिसाइड करना होगा ना, तो वो है E2, कॉन्टेक्स्ट क्रिएटेड बाय एम। उसके बाद सेम दोबारा ही परसेप्चुअल डायमेंशन दोबारा रिअकर करती है, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये हमारे नोट्स के अंदर अवेलेबल नहीं था, ये आपको PPT के अंदर मिलेगा जो कि हमने बाइंडर पर डाली हुई है। इसके अंदर क्या है कि जो E2 है यानी जो हमारा कंटेक्स्ट क्रिएट किया गया है वो लोगों तक पहुंचा किसी मैन के थ्रू या किसी मशीन के थ्रू। अगर मैन के थ्रू बताना चाहूं तो कानाफूसी करने वाली जो औरतें होती हैं उनके थ्रू किसी के तक पहुंचा, और अगर मशीन के थ्रू बताना चाहूं M2 को अगर मैं मशीन की तरह डिफाइन करूं तो TV रेडियो इन सब के थ्रू पहुंचा, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें से क्या कंटेक्स्ट निकाला, आपने उस मैसेज से क्या समझा, ये होता है SE, सिलेक्शन ऑफ परसीव्ड मैसेज। आपने इतनी सारी रिपोर्ट देखने के बाद क्या समझा, तो सिंपल शब्दों में एक इवेंट हुआ, एक आदमी ने उसमें से एक मैसेज परसीव किया, फिर उसे उस मैसेज को किस तरीके से भेजना था उसने एक चैनल या सिग्नल के थ्रू एक मैसेज को आगे फॉरवर्ड किया E2, फिर उस E2 को लोगों ने किस तरीके से समझा मैन या मशीन के थ्रू, वो है SE। तो E equals to event, M equals to man or machine, E1 equals to perceived message, S equals to signal, E2 equals to context created by M, M2 equals to man or machine again, SE equals to perceived message by audience। ये जो SE है ये audience ने जो message perceive किया है उसे define करता है। यह है जॉर्ज गर्बर्नर्स मॉडल, ये भी basically इसी चीज के ऊपर focus करता है कि object of orientation क्या है आपकी, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसने अपना आपका ध्यान खींचा। जॉर्ज गर्बर्नर्स मॉडल को हम एक टिपिकल टाइप ऑफ मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि हमारे जो पुराने मॉडल चल रहे थे कि प्रोसेस एक वन वे फ्लो में चल रही थी, एक फीडबैक आता था, नॉइस होती थी बीच में, उन सबसे हटके है। इसके अंदर नॉइस और फीडबैक का कोई वो नहीं है, ये इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है, और इसको हम एक थ्योरी समझाने के लिए भी यूज करते हैं। इसके अलावा
इसके सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, बस पर्सनल ये चीज जरूर ध्यान देना कि इसका जो मार्किंग है वो आप ठीक से करो। पहले ई से निकलता है सिलेक्शन ऑफ कंटेक्स्ट अवेलेबल, फिर ई वन और एम, फिर उसके बाद नीचे आता है चैनल एंड मीडिया कंट्रोल, और बगल में आपको लिखना होगा मीडिया एंड कंट्रोल डायमेंशन। फिर नीचे आएगा सिलेक्शन ऑफ कंटेक्स्ट एम टू एस ई। तो ये दो डायमेंशन में बेसिकली डिवाइडेड था, परसेप्चुअल डायमेंशन, परसेप्चुअल डायमेंशन, और यहाँ पे मीडिया एंड कंट्रोल डायमेंशन। ये है जॉर्ज गर्वनर्स मॉडल।